This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक सीन क्रिएट करेंगे या एक दृश्य बनाएंगे। कुछ लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर आवाज डिस्टर्ब होगी तो रिकॉर्डिंग में बाद में शेयर कर दूंगा, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो रिकॉर्डिंग मतलब आवाज उतनी प्रॉपर नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग, फिर इसका मीनिंग, फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो ये प्रूव करेंगे कि वाकई ही ऐसा है। इतिहास शुरू करते हुए कारण की चर्चा करेंगे आप, ठीक है, कारण या फैक्टर्स, कारक, रीजन और फैक्टर्स दोनों, और उसके बाद क्या कंसीक्वेंसेस रिजल्ट्स हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, और कंक्लूजन। ठीक है, चलिए, तो एक लाइन जो हमेशा लिखते हैं हम लोग, शुरू करें उसी से, जो नैतिक रूप से अनुचित है, इथिकली इज रॉन्ग, वह कभी भी कहीं भी, चाहे राजनीति ही क्यों ना हो, उचित या स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता। ठीक, इस सेंटेंस के तुरंत बाद जो आपको एक स्लाइड दिख रही होगी टॉप पर, वही एक रिपोर्ट कहती है, जो मैंने लिखा है उसके बाद तुरंत लिखें, वही एक रिपोर्ट कहती है कि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के पास राजनीति में जीतने का अवसर केवल 5% होता है, केवल 5% होता है या पाया गया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिखाया है इस स्टेटमेंट में आपके साथ में, एक सेंटेंस जो ऑल टाइम सही था लेकिन वो आदर्श है, आदर्श है, एक सेंटेंस जो धरातल है, यथार्थ है आज का, कि अगर जो नैतिक रूप से हमेशा हर जगह अनुचित है तो फिर वो राजनीति में जीतने लायक क्यों केवल 5% है। ठीक है, इस विरोधाभास से आप लिखेंगे, उपरोक्त कथन या उपरोक्त रिपोर्ट और कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, और अगर यथार्थ को माना जाए तो अब राजनीति में तो कम से कम आदर्श केवल किताबों में और भाषणों में रह गए हैं,
ठीक है, जहां भी समझ में ना आए पूछ लेना। टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है लेकिन आपको जुड़ना होगा, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को मुश्किल हो जाए इसको जोड़ने में, है ना। मुश्किल का मतलब समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है राजनीति में अनैतिकता? तो इसको प्रचलित भाषा में, या इसका ही एक प्रचलित स्वरूप है, राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, क्या है ये अपराधीकरण? तो इसका अर्थ लिखेंगे जो आपके सामने स्लाइड में आपको दिख रहा होगा वही है। ठीक है, सीधी भाषा में कहें तो राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, अर्थात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना है। इतना ही नहीं, आज यह बहुत व्यापक और बहुमुखी हो चुकी है, हो चुका है। अर्थात साधारण से लेकर पेशेवर सभी माननीय होने का दावा कर रहे हैं। माननीय मतलब जन प्रतिनिधियों को माननीय कहते हैं, और 1 अरब 30 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बन गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता भी बनना चाहते हैं, ये लिखना है आपको। एक सेकंड होल्ड करना है। ठीक इसके लिए चाहे वे मतपेटियां लूटें, मतदाताओं को आतंकित करें और कोई ना माने तो उसे ठिकाने लगा दें। ठीक है, आगे लिखेंगे। और यह हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट जो आपके सामने दिख रही होगी आपको उसके अनुसार दिखाइए। ये आज भारतीय राजनीति का केंद्रीय स्तर का यथार्थ है। अच्छे से डेटा को कोड करें। ठीक है, इसमें संसद का दिखाया है मैंने, आपसे उम्मीद है कि आप लोग जब दिखाएं इस चीज को तो विधानसभा के स्तर पर भी डेटा दिखाएं, पंचायत के स्तर पर दिखाएं, नगर पालिका के स्तर पर दिखाएं, जितना डेटा हो सकता है दिखाएं। ठीक है, और जैसा हमने कहा था, सामान्य से लेकर पेशेवर तक, तो चाहे वो हत्या का हो, पेशेवर होगा, हत्या का आरोप हो, प्रयास हो, महिलाएं के प्रति अपराध हो, अपहरण ही हो क्यों ना हो, धमकानी हो, सांप्रदायिक दंगा हो, हर तरह के अपराधी यहां विविधता दिखाई देती है। तो जहां संसद विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व की एक संस्था थी, वहां आज विभिन्न प्रकार के अपराध
भाइयों के प्रतिनिधित्व की संस्था है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ये हमने भारत, ठीक है। चलिए, तो अगर आप समझाना चाहें, वैसे तो अनावश्यक है, लेकिन फिर भी आप समझ लें तो आपको भी आसानी होगी। एक पैराग्राफ चाहें तो बट राजनीति क्या होती है इस पर समझ आ जाओ, और एक छोटा सा इसी में जोड़ दो, क्या समझा, ठीक है। अपराध या अपराध की छवि, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है, आप चाहें तो समझा सकते हैं, ठीक है। तो जो राज्य से संबंधित नीति है वो राजनीति है, जो भी राज्य को संचालित करने वाली, प्रभावित करने वाली नीतियां हैं उसे हम राजनीति कहते हैं, राज्य, ठीक है। और राज्य का मतलब यहाँ कोई यूपी एमपी नहीं, राज्य का मतलब यहाँ एक राजनीतिक संस्था से है, जिसमें विधानसभा भी शामिल है, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, तीनों चीजें शामिल होती हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों सम्मिलित है, ये समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ राजनीति का मतलब भारत की कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद और विधानसभाएं, किससे युक्त हैं, अपराधियों से युक्त हैं। कौन होते हैं अपराधी, ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कोई कार्य किया हो जो विधि के विरुद्ध हो, जिसमें कानून का उल्लंघन होता हो और दंड की व्यवस्था हो, तो अवैधानिक कानून, अवैधानिक कार्य जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो उसे हम अपराध कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो दंड है वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। तो चाहे तो एक पैराग्राफ छोटा सा जोड़ लें इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए आगे दिखाएं। पहले तो सुनने को ये मिलता था कि राजनीति में अपराधी, राजनीतिज्ञ अपराधियों का सहारा लेकर चुनाव जीतते हैं, ये साफ साफ लिखना। अब हम कहाँ आ गए, राजनीति के अपराधीकरण के विकास पर, कि कैसे इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे, अभी तक हम ये सुनते आए थे, या हम ये सुनते थे कि राजनेता अपराधियों की सहायता से क्या करते हैं, राजनीति में सत्ता प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना, मोबाइल डिस्टर्ब बार बार कर रहा है। ठीक, तो क्या होता था पहले कि राजनीतिक अपराधियों का सहारा लेकर चुनाव जीतते थे, सत्ता प्राप्त करते थे। अब तो यानी पहले होता था राजनीति का अपराधीकरण, अब तो अपराधी ही राजनेता बन गए हैं। तो ये विकास यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है, राजनीति में अपराधियों का सहयोग लेने से लेकर स्वयं अपराधियों के माननीय बनने तक की यात्रा है, ठीक। ठीक है, यह यात्रा अगर हम भारत की राजनीति में देखें तो कब से शुरू होती है वो भी देखें। कि प्राचीन काल में भी कई ऐसे राजा और मंत्री मिले हैं, मंत्री पाए गए हैं, जिसमें राजाओं ने ऐसे आचरण किए हैं जो अपराध की सीमा में आते हैं, ठीक है।
वर्तमान में देखें या ऐसा लिखो, जातक कथाओं में देखें, प्राचीन काल का उदाहरण, जातक कथाओं में देखें तो नहुष, NAHUSH, नहुष राजा रहा है, सुदास वैदिक काल की हम, या नहुष, ठीक है, या सुदास, सुमुख, सुमुख, निमि, ये ऐसे राजा रहे हैं जिनका आचरण अपराधियों के समकक्ष रहा है और जिनकी वजह से कई लोगों को प्राण गंवाने पड़े। आजादी के तुरंत बाद ये महसूस किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का जो आचरण था, भ्रष्टाचार का जो आचरण था, क्लाइव जैसे लोगों पर मुकदमा चला था, कॉर्नवॉलिस जैसे लोगों पर मुकदमा चला था, वो संस्कृति भारत के राजनीति में नहीं होगी, ये उम्मीद की गई थी आजादी के तुरंत बाद। लेकिन आप लिखेंगे ये उम्मीद बहुत जल्दी ही धराशायी हो गई जब नेहरू के कार्यकाल में जीप घोटाला हुआ, ठीक है, जीप घोटाला हुआ, ठीक है। तो जहां एक ओर गांधी, पटेल, नेहरू, शास्त्री, तिलक जैसे लोग हैं जो आचरण, शुद्ध आचरण के हैं, लेकिन उनके साथ कई लोग ऐसे जुड़े रहे जिनका आचरण अपराधियों जैसा था। यानी हमारे महान नेता शुचिता और नैतिकता की राजनीति पर बल देते थे, और इसलिए गांधी ने कहा था साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर साधन साध्य अच्छा है और साधन अच्छा नहीं है तो ऐसा साध्य यानी लक्ष्य भी अच्छा नहीं माना जा सकता। यानी सही काम गलत तरीके से अगर किया गया है तो वो काम सही नहीं होगा, नहीं माना जा सकता कि सही काम किया है, ठीक है। तो गांधी और उनके अनुयायियों ने, शीर्ष अनुयायियों ने तो ये चीज का फॉलो किया, लेकिन जो उसके नीचे का जो वर्ग था, द्वितीय और तृतीय वर्ग था नेतृत्व का, उसने ये आचरण नहीं दिखाया। तो प्रारंभ में भारत की राजनीति में जो अपराधी आए वो भ्रष्टाचारी के रूप में आए। भारत में अपराधीकरण का, राजनीति का अपराधीकरण का जो पहला सटीक उदाहरण है वो है भ्रष्टाचारी अपराधी। ठीक है, और जैसे जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक या स्वतंत्रता सेनानी की पीढ़ी के लोग समाप्त हुए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, और नई पीढ़ी जब सत्ता में आई, यानी वो पीढ़ी जो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, नहीं ले पाई थी, जब वो पीढ़ी भारत में सत्ता में आई तो उनके पास एक चीज का अभाव था अधिकांश के पास, और वो था कि इस आजादी की कीमत चुकाई गई है, उन्हें इस चीज का एहसास उस स्तर तक नहीं था। इसलिए पुरानी पीढ़ी के जाने से जो शून्य पैदा हुआ, उस शून्य को भरने के लिए स्थानीय स्तर के नेता साम दाम दंड भेद, राजनीति को उन्होंने क्या माना, साम दाम दंड भेद के माध्यम से संचालित किया, और अपराधियों का सहयोग प्राप्त किया, विशेषकर कब, चुनाव जीतने में, विशेषकर कब, चुनाव जीतने में। यानी राजनेता भ्रष्टाचारी नहीं था, अपराधी नहीं था, बल्कि वो अपराधियों की सहायता से सत्ता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसका रूप अत्यंत संगठित
और राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में दिखने लगा। ठीक है, चुनाव लड़ने से लेकर प्रचार, प्रचार करने से लेकर लड़ने तक, मंत्री बनने तक और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों तक। ठीक है, राजनीति का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा और यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी इस चपेट में आए। राजीव गांधी का नाम हमें लिखना नहीं है, लेकिन वर्कफोर्स घोटाला हम लिख देंगे ब्रैकेट में। भारत के प्रधानमंत्री भी इससे मुक्त नहीं रह पाए। इस आपराधिक चेहरे की पुष्टि बोहरा समिति, जो आगे हम पढ़ेंगे, बोहरा समिति और श्री कृष्ण आयोगों की रिपोर्ट से होता है। श्री कृष्ण आयोग आयोग की रिपोर्टों से होता है, प्रतिवेदनों से होता है। जिसमें कहा गया कि पहले पॉलिटिशियंस अपराधी की मदद लेते हैं चुनाव सत्ता प्राप्त करने के लिए, और बदले में अपराधियों को उपकृत करते हैं, ओबलाइज करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अर्थात जो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए थे वे किंग मेकर बन जाते हैं, वे किंग मेकर की भूमिका में स्वीकृत कर लिए जाते हैं। और इसके लिए पार्टी, दल और नेतृत्व एक बिना कहीं स्वीकृति, यानी मौन स्वीकृति, अर्थात धृतराष्ट्र की स्वीकृति दे देता है। धृतराष्ट्र के मौन की स्वीकृति या मौन जैसी स्वीकृति देता है। ठीक है, अब भारत की राजनीति की बात करते हैं कि भारत की राजनीति में ये अवसर कैसे बने। तो अब हम कारणों की चर्चा भी कर रहे हैं साथ साथ में, कारण भी आ जाएंगे यहीं पर आपके लिए, कि भारत का लोकतंत्र जब लागू हुआ तो कई लोगों ने कहा था कि भारत की जनता अभी इस लोकतंत्र का मर्म यानी क्रक्स नहीं समझती। स्वयं गांधी ने भी कहा, सुहास ने भी कहा, अभी भारत के लोग लोकतंत्र को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, वो सोच नहीं है, इसलिए हमें कुछ समय तक लोकतंत्र को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक, क्यों करना चाहिए उसका कारण भी लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में माना जाता है कि जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा और जनता उसे चुनेगी जो अच्छा होगा। लेकिन हमारा लोकतंत्र गणनात्मक बन गया, गुणात्मक होना चाहिए था, क्वालिटेटिव होना चाहिए था, और कैसा बन गया? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव गणतंत्र कैसा होता है, इस पर आप इकबाल की एक कविता लिखेंगे या उनका एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि लोकतंत्र वो तर्ज ए हुकूमत है, कि लोकतंत्र वो तर्ज ए हुकूमत है जहां वोट, जहां सर, वोट नहीं, सर यानी हेड गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते, गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। ये लाइन समझ में आ गई होगी?
और नहीं आई होगी तो पूछ लो क्या मतलब है, अगर नहीं आई है तो। हेलो सर, ठीक है मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी, सर ये वही क्वांटिटेटिव को डिनोट कर रहा है ना कि ये गणनात्मक है, क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव को नहीं क्वांटिटेटिव को कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटेटिव को क्वांटिटेटिव, कर रहा है, क्योंकि सर गिने जाते हैं। बिल्कुल यस सर, ठीक है। कहने का आशय यह है, लिख दो कि जिसके अच्छा पास सर्वाधिक मत है या बहुमत है वही जनप्रतिनिधि है, माननीय है, यानी जिसके पास 50% प्लस 1 या उससे ज्यादा है वही सरकार है, वही संस्था है, वही राज्य है, वही सही है, और 49 जिसके पास है वो बाहर है। यानी जो 51 है वो कैसे, उन्होंने 51 हुए इकट्ठे वो अपने आप में, या वो 51 कैसे बने, 51 उनके पास कैसे आया, इसको समझ लिया गया, मान लिया गया कि अच्छे ही होंगे, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, उसके लिए कोई सुनिश्चित नहीं किया गया कि वो 51 अच्छे हों। ये मान लिया गया कि बाई हुकंड को रुक या जैसे भी, जैसे या बुरे से 51 हो वही पर्याप्त है, गुण नहीं देखे जाएंगे उनके, क्योंकि जनता जिन्हें चुन रही है वो गुणवान मान लिए गए हैं, लेकिन ऐसा होना हम देखेंगे बाद में चलकर। आप देख सकते हैं वो पीढ़ी गुणवान रही जो स्वतंत्रता के मूल्यों से प्रभावित थी, या जिन्होंने आजादी लड़ाई लड़ी वो निश्चित रूप से इसी से प्रभावित थे, लेकिन जो बाद की पीढ़ियां थी, जो उनके उत्तराधिकारी थे, वो इस तत्व को भूल गए कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र नहीं है, 51 का तंत्र नहीं है, ये भी तय होना चाहिए कि वो कैसे 51 बने हैं, जुड़े हैं, या 51 से ज्यादा हो गए। ठीक है, क्योंकि कभी ये नहीं देखा गया कि जो 51 आए उनके पास, उनमें से कितने एम हैं, एम फॉर मनी, एम फॉर माफिया, एम फॉर मसल्स, तो हम आगे देखेंगे इनका यूज क्या है। यानी धनबल, मनी माने धन, बल बाहुबल, और कुल मिलाकर माफिया। ठीक है, तो यहां से आप अपने कारणों की चर्चा आगे ले लें। तो सबसे बड़ा कारण आपको दिखाएंगे जो आपकी स्लाइड स्लाइड में है, और वो है चंदा, या चंदा या राजनीति में चुनाव के समय प्रयोग होने वाला फंड, विशेषकर चुनाव के समय। एक और लिखेंगे, यद्यपि चुनाव आयोग विधायक और लोक सांसद सबके चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर देता है, लेकिन विभिन्न निजी अनुसंधान संगठन जिनके नाम हम आगे लिखेंगे, उनकी माने और विश्वसनीय रिपोर्ट है कि भारत के जो मुख्य बड़े राज्य हैं, यूपी एमपी और दक्षिण के जो मुख्य राज्य हैं, वहाँ विधायक का चुनाव कम से कम 4 से 5 करोड़ से कम में नहीं होता, और सांसद का चुनाव कम से कम 10 करोड़ से कम का नहीं होता। एक औसत लिखिए, और चुनाव आयोग की सीमाएं क्या है, 40 लाख, 50 लाख। ये सबसे बड़ा आधार क्यों है आप समझो, या आप जानते हो तो बेहतर है, कि 40, इसको अच्छे से लिखना, आज की डेट में 1 करोड़ कौन खर्च करेगा, आप और हम खर्च कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो कौन खर्च करेगा, जिसके पास मनी है, मनी पावर, इसलिए पहला एम था मनी, धन बल। ठीक है, तो सामान्य आदमी को जब ये पता हो कि वो 1 करोड़ का खर्च नहीं कर सकता, 5 करोड़ खर्च नहीं कर सकता, तो क्या चुनाव भागीदारी कर पाएगा, आम आदमी, स्वच्छ छवि वाला आदमी, इतना पैसा मैनेज नहीं कर सकता, तो कौन मैनेज करेगा, हम समझ सकते हैं, ये लिख लिख के छोड़ देंगे आप। ठीक है, यही वो जगह है जहां से शुरुआत होती है, इसलिए
पॉलिटिशियंस मदद लेगा किसकी, जिसके पास काम होगा, बदले में क्या करे, काम करेगा, ठेके देगा उसे। ये शुरुआत होता 70-80 के दशक में। 90 के दशक से क्या होना शुरू हुआ, अपराधी ने सोचा कि मैं पिताजी को क्यों सपोर्ट करूं, मैं तो खुद ही पैसे वाला हूं, खुद ही बन जाता हूं, माननीय डायरेक्ट आ गया फील्ड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से लिख के दिखाएं कि क्यों ऐसा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आधार यही है। ठीक है, दूसरा, यद्यपि रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। दूसरा, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव अधिक खर्च में पकड़ा भी जाता है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है, दोनों की इंक्वायरी और दोनों पे आने वाले निर्णय में सालों लग जाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, माना जाता है कि भारत में एक मुकदमा औसतन 15 सालों में सॉल्व होता है। ये भारतीय जुडिशरी का एक सर्वे कहता है कि हम अगर कोई मुकदमा लड़े तो कम से कम 15 साल औसतन लग जाएंगे। तो जो अपराधी छवि है या अपराध इस पे आरोप है, जो सिद्ध नहीं हुआ है, तो लड़ने का मौका मिल जाएगा और जीतने का मौका भी मिलेगा उसे, क्योंकि मनी भी उसके पास होगी। और जब वो जीत जाएगा तो अपने उस आपराधिक प्रकृति से वो कितना धन और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, ये स्वीकृत है, ये सब जानते हैं। कि जैसे ही वो मंत्री पद प्राप्त करेगा, तो यूपी में आप लिख सकते हैं, यूपी में एक समय में अपराधी जिसको जेल में डाला गया था, वही व्यक्ति चुनाव लड़ता है जेल से, है ना, और चुनाव जीतकर वहां का जेल मंत्री बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ अब कोई मुकदमा दायर नहीं होगा, होगा भी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे कि आप अभी रिसेंट के एग्जाम्पल विकास दुबे का दे सकते हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जो सीधा पुलिस को चुनौती दे। जाहिर सी बात है, पुलिस से ऊपर कौन है, राजनीति है भारत में, विधायिका और कार्यपालिका है। तो जब तक उनका वरद हस्त नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं था। ठीक है, ये अच्छे समझ। तीसरा है, संकीर्ण हितों पर की जाने वाली वोटिंग, मतदान। आप में से मैं भी हो सकता हूं उसमें शामिल, जब वोट करने जाते हैं तो जाति और धर्म को भी एक आधार मान के चलते हैं। ठीक है, खराब आदमी भी हो लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर भी वोट करते हैं। यानी हमने यहाँ कैंडिडेट की क्वालिटी न देखकर क्या देखा, उसका सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड देखा। तो अगर आप उसके गुणों पर वोटिंग नहीं करेंगे, इन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, तो एक खराब व्यक्ति व्यवस्था में प्रवेश आसानी से कर जाएगा। इसे समझाइए आप। ठीक है, चलिए, ये लाइन थोड़ी यहाँ आ गई है, ये लाइन पहले आनी चाहिए, जो मैंने अभी आपके सामने दी है ना, ये थोड़ी दूसरे तरीके से आपको दिखानी है। क्या दिखाएंगे, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति या भारत में पवित्र भाव वाला क्षेत्र नहीं रह गया। और अच्छे से लिखिएगा, गुरनार गुन्नार मिडल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी एशियन ड्रामा। नहीं लिखा है तो अब आप सुन लीजिए। ठीक है, उनका नाम कोड कर सकते हैं, और ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी, गुन्नार मिडल ने। उनकी किताब का नाम पता है ना, एशियन ड्रामा, इकोनॉमिक्स पर लिखी हुई किताब है। तो भारत की राजनीति पर भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, गुन्नार मिडल, एशियन ड्रामा में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और रजनी कुठारी ने फिर एक किताब और लिखी थी भारत की राजनीति में, वो कहती है किताब में, और स्पेसिफिकली गुन्नार मिडल कहता है कि किसी भी सोसाइटी में या देश में अपराध लोग तभी राजनीति में आ सकते हैं जब वहां राजनीति सेवा भाव से हटकर क्या बन जाए, सेवा भाव से हटकर क्या बने, कैरियर बने। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आजादी के समय जो लोग राजनीति में आए, कांग्रेस
में आए तो वो किसी पद के लिए नहीं थे, इसलिए गांधी ने कहा, सारा समझाना अच्छे से, इसलिए गांधी ने कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस का काम क्या था, क्यों बनी थी, देश की आजादी के लिए। आजादी मिल गई तो क्या करना चाहिए, खत्म कर दू। लेकिन उसे एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया गया। क्लियर है बात? तो उस समय राजनीति में वही लोग आए जिनको देश की आजादी से मतलब था, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। और इसलिए गांधी ने कभी कोई पद धारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में इसलिए आया था क्योंकि मैं देश की राजनीति से जुड़कर, कांग्रेस से जुड़कर देश को आजाद कराने में अपना योगदान दूं, इसलिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए। क्योंकि कांग्रेस मेरे लिए क्या थी, पार्टी ना होकर क्या है, एक संगठन है जो देश की आजादी के लिए लड़ रही है। ये स्थिति कब तक रही? जब गांधी के चेले कुछ समय तक जिंदा रहे, जो मैंने अभी कहा था आपको। लेकिन जब उनकी पीढ़ी सामने आई तो उन्होंने राजनीति को क्या कर दिया, कैरियर के रूप में देखना शुरू कर दिया। और गुन्नार मिडल ये कहते हैं यहाँ पर कि किसी भी समाज में देश का पतन तब शुरू होता है जहां सेवा वाले क्षेत्र, सेवा भाव वाले क्षेत्र में अगर लोग अपना कैरियर देखें, देख मान लीजिए कि उस देश का पतन और समाज पतन निश्चित है। जैसे दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया डॉक्टरशिप का। डॉक्टरी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कैरियर नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में तो हर आदमी बच्चा क्या बनना चाहता है, 12th करते ही या 10th करते ही माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चा क्या बने, डॉक्टर। क्यों? लाखों करोड़ों कमाएगा। जबकि आप ये महसूस करें कि ये तो सेवा भाव वाला विषय है ना। तो आप अच्छे डॉक्टरों के पास जाएंगे तो उनके क्लिनिक में देखेंगे, उनके स्टेटमेंट बड़ा अच्छे से लिखा रहता है कि आप मेरे ग्राहक नहीं हैं, ये मेरे दुख का विषय है कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, लेकिन ये मेरी आजीविका है केवल, मेरा कैरियर नहीं है। खैर, तो वो आप बात को थोड़ा सा समझा के लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहां जहां राजनीति कैरियर बनेगी। और इसलिए आप देखें, एक राजनीतिक का बेटा हमेशा निश्चिंत रहते हैं कि उसका कैरियर सुरक्षित है, जबकि यूरोप में आप देखेंगे, पश्चिम में देखेंगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो निश्चित रूप से जब राजनीति एक पारिवारिक कंपनी बन जाए, परिवार की कंपनी बन जाए, इंटरप्राइजेस बनने लगती है, वो हम भारत की राजनीति बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं कि वही दल ज्यादा अपराधियों को संरक्षण दे हैं जिन पर परिवार की पकड़ है। हम नाम किसी का नहीं दे सकते, ना हमें देना चाहिए, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जानते सब है। खैर, तो समझा सकेंगे आराम से अगला पॉइंट। वैसे पॉइंट सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो राजनीति अब क्या है, जन सेवा की स्थान पर कैरियर है, ग्लैमर है। ये आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, ग्लैमर को आप यहाँ नोट करके, ग्लैमर है। राजनीति आज असीमित सत्ता का स्रोत है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब ये सब होगा तो इसमें लोग निवेश करेंगे। राजनीति आज निवेश है, तो जिसके पास पैसा है वो निवेश करेगा, जिसके पास अपराध की शक्ति है वो निवेश करेगा, और निवेश करेगा तो निवेश जहां किया जाता है बदले में उससे लाभ कमाया जाता है। तो आज राजनीति लोगों को लाभ दे रही है, असीमित लाभ दे रही है। ठीक, चलिए, अगला कारण है राजनीतिज्ञों को मिलने वाले विशेषाधिकार, इसलिए भी इसमें अपराधी आ जाते हैं। आप जानते हैं कि जिस समय आप सांसद या विधायक होते हैं उस समय आपको गिरफ्तारी को लेकर कई सारे इम्यूनिटीज, यानी आपको प्रतिरक्षा मिली होती है, आपको मुक्ति मिलती है। तो अपराधी अगर किसी तरीके से मंत्री बन जाए या विधायक बन जाए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जेल जाने से बच जाता है। भले मुकदमा चलता रहे लेकिन वो जेल में तो नहीं रहेगा कम से कम। जेल में भी रहेगा तो चूंकि बाहुबली है, अच्छे अधिकार मिलेंगे वहां पर। ठीक है, इसलिए हर अपराधी का जो दीर्घकालिक जी रहा है उसका एक गॉडफादर होता है जो पॉलिटिक्स में मिलता है। ठीक है, तो वो अपराधी चाहता है, अपराधी जानता है कि जब मेरी मदद से ये लोग जीत रहे हैं तो क्यों ना मैं ही जीत कर इन अधिकारों का प्रयोग करूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगली भूमिका है हम जैसे लोगों की, जो
अच्छी चीज नहीं मानते, खराब चीज मानते नेताओं को। आज अगर आप कि 10 व्यवसाय लिए जाएं, डॉक्टरशिप, आईएएस, आईपीएस और नेता, और पूछा जाए कि आप सबसे पहले क्या बनना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है राजनीति को लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि राजनीति को अच्छे लोग अच्छा नहीं मानते। तो जब वो नहीं जाएंगे तो एक शून्य पैदा होने को कौन भरेगा? खराब लोग भरेंगे। उनको मौका मिल जाएगा कि उनका कोई विरोध नहीं करेगा। आगे, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये भी जरूरी है। जैसा हमने कहा कि आज दल क्या बन गए हैं, फैमिली की प्रोपराइटरशिप है। तो फिर जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से विकास, विकसित होने का मौका मिलना चाहिए था, वो व्यक्ति क्या करेगा? पार्टी तोड़ देगा। तोड़ेगा तो बदले में कुछ लेगा अभी। तो आपने देखा होगा कांग्रेस को तोड़ने का काम शरद पवार, है ना, संगमा, इन सब ने किया। हर पार्टी के साथ ऐसा होता है। तो वही पार्टी टूटती है सबसे ज्यादा जहां पर ग्रास रूट लेवल के सदस्य को होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वो इतना ताकतवर भी नहीं होता कि सत्ता प्राप्त कर सके, तो ना चाहते हुए भी अपराधियों का सहारा लेता है। और जो बड़ा दल था वो इतना कमजोर हो गया है कि उसे क्या करना है, सत्ता प्राप्त करनी है तो छोटे दलों से बार्गेनिंग करनी होगी, अपराधियों का सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबिनहुड छवि, रॉबिनहुड इमेज लिखेंगे आप यहाँ पर। और भारत की राजनीति का विरोधाभास लिखेंगे आप, कि जहाँ भारत की राजनीति लोग यहाँ नैतिक माने जाते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, अपने रॉबिनहुड को जिता देते हैं। रॉबिनहुड का मतलब समझ गए ना, ऐसे लोग जो इसलिए क्राइम करते हैं जनता के लिए, जनता को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि मैं एक अपराधी अपराध इसलिए कर रहा हूं कि इससे तुम्हारा भला होगा। यानी अमीरों को लूटकर गरीबों को बांट देने वाली छवि को रॉबिनहुड छवि कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कि भारत के कई दलों में कई माननीय ऐसे हैं जिन पर बहुत गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं, और वो बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव जीतते हैं भारी बलों से। वहां की जनता जिताती है ना उनको, जाहिर सी बात है जनता ही जिताएगी उन्हें। यानी हमारी जनता भी कई बार क्या है, सही गलत का फैसला न्यूट्रल होकर नहीं कर पाती। तो जब जनता ही कुछ गलत लोगों को चुनेगी, चाहे कोई भी लॉजिक दे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, महिमा मंडन होगा, ठीक है। तो भारत की राजनीति और समाज में क्या है, अपराधियों का महिमा मंडन होता है रॉबिनहुड कह के, ठीक है। यानी जनता, यानी वोटर भी जिम्मेदार मान लिया हमने। और एक जगह वोटर कहाँ जिम्मेदार है, कि मतदाता वोट देते समय बहुत ज्यादा जागरूक नहीं, इसलिए ना तो वो हमारे कैंडिडेट की जानकारी लेता है, और लेता भी है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं। यानी आज भी भारत का मतदाता अपने वोट की क्लियर है, ठीक है। तो ये आप कारण दिखा देंगे। अब टॉपिक इजी रहेगा। अब जाहिर सी बात है कुछ दुष्परिणाम भी सामने आएंगे, ऐसी बात है, तो आपको उन दुष्परिणामों की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि किसी का नाम नहीं लिखना है, हम संकेत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ही इनको बताएंगे, ठीक है। चलिए, परिणाम देखिए, जो खुद कानून का उल्लंघन करता है वही क्या बन जाएगा, विधि निर्माता। तो कानून कैसे बनेंगे आगे के लिए, कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए बनेंगे जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचे, ठीक। तो गांधी ने कहा ना कि संसद बांझ होती है, इसलिए होती है, संसद को उन्होंने बांझ बोला था। तो जब ऐसे लोग सिस्टम में पहुंचेंगे बाई हुक एंड क्रुक, साम दाम दंडभेद लगा के,
ऐसी संसद से आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव होने की उम्मीद तो करना भूल ही जाइए। ठीक है, चलिए। दूसरा, न्याय प्रणाली के प्रति जनविश्वास में कमी आएगी, क्योंकि जब पैसे वाले लोग, प्रभावित करने वाले लोग बार बार बचते रहेंगे, मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी, है ना। और इसका सबसे उदाहरण क्या है, विकास दुबे का एनकाउंटर मारे जाने, क्योंकि सब जान रहे थे कि अगर जिंदा रहा तो कोई ना कोई इसके लिए तैयार हो जाएगा, इसको जमानत करवा ही देगा, या वो भारतीय कानून की जो लूल पोल हैं, छिद्र हैं, उनका लाभ उठा के निकल ही जाएगा ये आदमी। तो जो अपराधी को दंड मिलने में समय लगता है या नहीं मिलता है, तो उनका जो अंदर की जो हिम्मत है वो बढ़ती है। चलिए, विकृत लोकतंत्र। विकृत लोकतंत्र का मतलब वही था, गुणा लोकतंत्र है, कि इस लोकतंत्र में अच्छे लोगों को चुना जाना चाहिए था, लेकिन हमने वोट को धर्म, वोट को पैसा, वोट को जाति, वोट को क्षेत्र के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं वोटिंग का, मतदान का व्यक्तिनिष्ठ नजरिया। अगर आप शब्द लिखेंगे तो अच्छा माना जाएगा। क्या लिखा आपने, वोटिंग का सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ नजरिया। जब जब आएगा तब तब तो लोकतंत्र विकृत हो जाएगा। तो कैसा आना चाहिए, वस्तुनिष्ठ नजरिया आना चाहिए। ये शब्द आप जरूर लिखिएगा वहां पर, है ना, मीनिंग भी समझ। सब्जेक्टिव नजरिया होता है जब आप वोट किसी नैरो इंटरेस्ट पर देते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के पर, ये आपका सब्जेक्टिव बेस है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट के नाम पर देते हो, क्वालिटी के नाम पर वोट देते हो, ये ऑब्जेक्टिव नजरिया होता है। ठीक है, तो भारत के लोकतंत्र में लगातार जो मतदान है वो सब्जेक्टिव बेसिस पर होता गया है, और जो होगा वहां निश्चित रूप से पतन होगा, अच्छे लोगों को व्यवस्था में आने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि थोड़े भारी से शब्द हैं, लेकिन आप लोगों ने सुने नहीं होंगे तो मे भी मुश्किल होगी आप लोगों को। सर, ऑब्जेक्टिव नजरिए को हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठ, ओके सर। वस्तुनिष्ठ। प्री का एग्जाम दिया था आपने, यारो वाला प्री हाँ जी का सर। एग्जाम्पल कैसा था, हाँ ऑब्जेक्टिव जी था सर, ना। वस्तुनिष्ठ टाइप का ही था। हाँ जी सर। हाँ, वस्तुनिष्ठ था, उससे जोड़ के देखिए। ठीक है, चलिए, यस आगे सर। के प्रभाव आपको पता है। संसद की कार्य क्षमता में कमी आएगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, है ना। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का अगर लगातार ऐसा होता रहा, अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम को खोखला कर देंगे। ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये वाला, निजी कल्याण वर्सेस लोक कल्याण, अच्छे से लिखना, आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ लोकतंत्र में जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो जनता के लिए, सबके लिए होने चाहिए, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इंक्लूसिवली बटने चाहिए, समावेशी ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका। ठीक है, लेकिन जब राजनीतिक अपराधीकरण होगा या पूंजीपति उसमें आ जाएंगे या धन का प्रवेश होगा, तो वो संसाधनों को क्या करेंगे, संकीर्ण हितों के आधार पर बांटेंगे। क्लियर है। और भारत में अभी रिसेंट एग्जाम्पल आया है और पहले भी आ चुका है, जो एमपी लेड है, आपके सामने ग्रीन लाइन जो दिख रही है एमपी लेड की, ये भारत में करप्शन का एक बड़ा सोर्स माना जाता है। और अभी जो रिपोर्ट आई थी पिछले महीने में, वहां भी कहा गया कि एमपी लेड बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, इसमें जो टारगेट दिए गए हैं वो खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो पैसा दिया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि योजनाओं के माध्यम से जो धन वितरित किया जाता है, कागजों पर वो धन तो क्या होता है, अच्छे से वितरित होता है, लेकिन जब ग्राउंड पर पहुंचता है, और भारत का प्रधानमंत्री स्वयं राजीव गांधी स्वीकार करते हैं कि हम कितना पैसा भेजते हैं, 100 पैसा यानी 1 रुपया, पहुंचता कितना है, 15 पैसा। तो जब किसी देश की सबसे बड़ी सत्ता शक्ति या व्यक्ति ये कहे कि ऐसा है, तो इससे बड़ी स्वीकृति और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है,
यह एक शब्द का प्रयोग और करें, आपने अभी तक नहीं सुना होगा, भारत में अपराधीकरण का जो सबसे बड़ा जरिया मैंने आपको बताया था वो है भ्रष्टाचार, ठीक है, आर्थिक लाभ। तो उस संदर्भ में आप यहां दिखा सकते हो कि अधिकांश लोग किस लिए आ रहे हैं, इन चीजों के लिए आ रहे हैं। अधिकांश लोग राजनीति में क्यों निवेश कर रहे हैं, पैसे के लिए निवेश कर रहे हैं, बाकी लाभ भी हैं लेकिन ये लाभ सबसे बड़े लाभ, ठीक है। तो भारत में भ्रष्टाचार का क्या है, संस्थानीकरण है, ये चीज थोड़ी सी समझ लो कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। तो इसका मतलब होता है करप्शन को योजनाओं के माध्यम से करना। हमने कहा कि हम लोगों को 100 रुपए देंगे, ठीक है, अभी तो 180 के आसपास है, अच्छी बात है, लोगों को 100 रुपए दे दिया, आपको अच्छा लग रहा सुनने में, लेकिन जो लास्ट मजदूर था जिसको 100 रुपए में आने थे, उसे 100 दिन का काम, किस जाहिर सी बात है पंचायत के स्तर पर मिलेगा वो 100 दिन का काम, जो देगा वो कहेगा कि अकाउंट में 100 रुपए तो आएंगे लेकिन मैं काम तुम्हें 100 दिन का तभी दूंगा जब उसमें से कुछ हिस्सा तुम मुझे एडवांस में देगा। तो ऊपर से क्या दिख रहा है, पैसा आया पहुंच गया अकाउंट में, भाई मोदी जी दावा यही तो कर रहे हैं कि अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे करप्शन नहीं होगा, लेकिन वो जो 100 रुपए है उसके अकाउंट में आया और जिसने उसे वो काम करने का मौका दिया वो पहले कह देता है कि भैया आएंगे अकाउंट में तुम्हारे में, लेकिन 100 रुपए में से मेरा हिस्सा ये है। तो ये है संस्थागत भ्रष्टाचार, बाकायदा नियम सब कुछ ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा, आपको लगेगा कि करप्शन खत्म हो गया, जबकि आप अंदर जाकर देखेंगे तो करप्शन यथावत दिखेगा और इतना सिस्टमेटिक दिखेगा कि आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग करके करें भ्रष्टाचार का संस्थानीकरण। सर एक बार और समझा दीजिए संस्थानीकरण से मतलब। संस्थानीकरण का मतलब होता है कि एक तो है कि भाई मेरे सरकार का, मैं सपोज करो ट्रेजरर हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, सरकार अधिकारी हूं और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक यस है, सर मैंने उसमें से 20 लाख निकाल लिए डायरेक्ट अपने काम के लिए, तो क्या हो गया, ये गबन हो गया, यस सर मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं कि मुझे 20% भी चाहिए और मैं पकड़ा भी ना जाऊं, तो मैंने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ है उसकी योजना बना देता हूं मैं कि मनरेगा में हम 1 करोड़ लोग, हमारे पास 1 करोड़ रुपए है और हम 100 लोगों को बांटेंगे, ठीक है, ओके और सर हमने कहा यस कि सर हम 1 करोड़ रुपए 100 लोगों को ट्रांसफर सीधा कहाँ डालेंगे, अकाउंट में डालेंगे। आप कह सकते हो करप्शन हुआ इसमें कहीं, भाई यस सर कह सकते हो मतलब करप्शन है दिखाई तो कि नहीं दे रहा है। हाँ जी सर नहीं, वो लग रहा है कि उन्होंने अपनी योजना के थ्रू उसको वो कर दिया है कंपनी लेकिन ये योजना वास्तव से। में किसको लाभ दे रही थी, उस मजदूर को तो 80 ही मिला लेकिन यस बीस सर रुपए सिस्टमेटिक ढंग से उसके अकाउंट से निकल कर, लेकिन आप उसे प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो 80 रुपए ही मिले, 20 उसे कहीं और चले गए उसके। ओके सर तो भारत में हर सरकार आते ही नई योजनाएं क्यों बनाती है, तो वो कहती है कि लोक कल्याणकारी राज्य है, जबकि सच ये है कि नई योजनाएं बनाकर अपने लिए स्पेस बनाया जाता है ना। अभी भी ये कहा जा रहा है मनरेगा, सॉरी कोरोना के दौर में भी करप्शन चरम पर है, कोरोना सेंटर में, क्वारंटीन सेंटर्स में एक एक आदमी को दिन में 15 15 लीटर पानी पिलाया जा रहा है। भाई पानी ऐसी चीज है कि हो सकता है कि 15 लीटर पी भी जाओ, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, और हो सकता है कि ना भी पियो 15 लीटर पानी दिन भर में, लेकिन आप कैसे तय करोगे कि आदमी ने 15 लीटर नहीं पिया। तो 1 करोड़, एक दिन के कोरोना मरीज का एक दिन का पानी 15 लीटर खर्च दिखाया जा रहा है, वो भी कौन सा पानी, बोतल बंद पानी, कितने की होगी, 300 रुपए की बोतल होगी। ग्लूकोज खा रहा है वो 10 बिस्किट एनर्जी के नाम पर, खा भी सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं किसी आदमी के लिए, कागजों में सब कुछ साफ साफ सही दिख रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर आदमी 15 बोतल नहीं पी पाएगा, हर आदमी 10 पारले जी नहीं खा पाएगा। आप बात समझ रहे हैं,
तो मरीज ने यस कितनी सर, पी शुद्ध करना बड़ा मुश्किल है, कागजों में सब कुछ फिट फॉर दिखेगा आप। ये है संस्थाकरण, ठीक है। बाकी आप लोग जब एआरओ बनोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे इस चीज को, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, यस सर, ठीक है। तब बताना कि सर आप समझ में आया सर संस्थानीकरण कैसे होता है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कुछ कारण की चर्चा हो गई है, प्रयास नहीं हुए ऐसा कह सकते, प्रयास हुए हैं, प्रयास आपके सामने हैं। आपकी इंग्लिश वाली क्लास तो नहीं होने वाली है आज? नो सर, ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखाता हूँ आप लोगों को, लिखिएगा, लाइन में नहीं है। जब आप ये लिख रहे हो ना कि संस्थानीकरण हुआ है, तो उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी लाइन है, बहुत कम मिलेगी आपको, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, लिखिएगा आप उसे। अच्छा, उस लाइन को छोड़ दो, एक लाइन वहां लिखना जहां अच्छा आदमी चुनाव नहीं लड़ता है, उसके लिए एक लाइन आपको लिखा रहा हूँ, वो लिखिए। शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है? ठीक है, किताबों में तो ये लिखा है कि रावण हार जाता है, रावण मारा जाता है, फिर वही सिद्धांत और व्यवहार दिखाई दे रहा है ना। सब कुछ ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, एथिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार जब देखेंगे तो सब कुछ टूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए, वो लाइन जो मैं दिखा रहा था सरकारी व्यवस्था के तहत, वो भी आप चाहें तो लिख लें। सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, गांव का मौसम गुलाबी है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, आंकड़े झूठे हैं और दावा गुलाबी है, दावा गुलाबी है। ये लाइन जैसे भ्रष्टाचार के टॉपिक की है, लेकिन आप यहाँ आर्थिक अपराध जब दिखाएंगे, है ना, तो मैंने अभी बता दिया ना कि अपराध किस तरह का है राष्ट्रीय राजनीति में, पैसे के लिए भी है, सत्ता के सुख के लिए भी है, उम्मीदें पूरी करने के लिए है, विशेषाधिकारों के लिए। लेकिन सबसे स्वरूप क्या दिखाई देगा आपको? पैसा, है ना। उसमें एक लाइन आप इसमें शायद नहीं है आपकी स्क्रीन में, जोड़ दीजिएगा कि सर्वे ये कहता है कि भारत में अगर आपको पैसे का निवेश करना है और अगर आपको 500 गुना तक रिटर्न चाहिए तो शेयर बाजार मत जाइए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाइए। कि भारत पिछले कम से कम 25-30 सालों में जो भी विधायक बना है, जो भी सांसद बना है, उसकी लीगल प्रॉपर्टी में 500-500 गुना तक की वृद्धि हुई है, लीगल प्रॉपर्टी की, जो वो आईटीआर भर का दिखा रहा है। ऐसा क्या हो जाता है कि जो आदमी पहली बार विधायक बना, उसके पास कुछ नहीं था, अगले विधायकी के चुनाव में जब वो आईटीआर फाइल करता है, संपत्ति सूचना देता है, तो उसके पास करोड़ों रुपए होते हैं केवल इन 5 सालों में। इससे बढ़िया निवेश नहीं हो सकता, इससे बेहतर निवेश कहीं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस रूप में दिखाइए, एफर्ट्स आपके सामने हैं, एफर्ट्स आप क्रम से दिखाएंगे, चुनाव आयोग के द्वारा, न्यायालय के द्वारा और स्वयं विधायिका के द्वारा। क्लियर है? तो चुनाव सुधार के नाम पर सबसे बड़ा काम यही किया गया है कि चुनाव को पारदर्शी बनाया गया है, पारदर्शी बनाने के नाम पर ट्रांसपेरेंट सॉरी आपका वोटिंग आईडी कार्ड है ना, और ईवीएम है, चुनाव आयोग का अति सक्रिय होकर काम करना है, चुनाव भरते समय प्रत्याशी का वो नामांकन करते समय सारी जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। ये सब चीजें चुनाव आयोग ने की है, ये आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे से दिखाएं चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया इसको रोकने, ठीक है। उसके बाद फिर
न्यायपालिका द्वारा क्या किया गया, तो न्यायपालिका ने समय समय पर चुनाव आयोग को भी कहा, और अभी चुनाव आयोग ने पिछले सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी में एक केस आया था, वो शायद आपकी पीपीटी में होगा कहीं, कोड किया है, ठीक है। तो वहां उन्होंने कुछ निर्णय दिए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जाति या धर्म के नाम पर वोट की अपील नहीं करेगा, और ये कहा गया कि चुनाव आयोग को जो जानकारी देनी है 72 घंटे के अंदर देगा, ठीक है, वो पीपीटी में कहीं मिल जाएगा, पढ़ेंगे आज से तो, ठीक है। विधायिका ने क्या काम किए हैं, तो चुनाव आयोग को ताकतवर बनाने के लिए जितना भी संभव है, राष्ट्रपति और राज्यपाल कोशिश करते ही रहते हैं। इसके अलावा विधायिका ने और कार्यपालिका ने विभिन्न समितियां और आयोग बनाकर और उनकी रिपोर्ट्स को लागू करके इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने काफी काम किया, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने काफी काम किया है, ठीक है, और भी हैं जो ऊपर संभवतः आपको दी गई होंगी, ठीक है। तो मैं आपको जब इसको अपडेट करूंगा, तो वैसे भी ऑनलाइन कहीं भी आप देखेंगे तो मिल जाएंगी चीजें, तो उन कमेटियों को जरूर लिखना, उनको मत छोड़ना किसी भी हालत में, सुझाव के तौर पर या उपाय के तौर पर उनका नाम जरूर लिखना है, बिल्कुल भी मिस मत करना उनका फेस। जैसे ये राष्ट्रीय आयोग बनाया था संविधान की सुरक्षा समीक्षा के नाम पर, उसकी रिपोर्ट है, पद्मना भैया की रिपोर्ट है, और हर कमेटी ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जो अपराधीकरण को बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। जैसे इसमें दोहरा लिखा है, जिस जबकि बोहरा होना चाहिए, तो नोट अच्छे से करना है, बोहरा समिति है। बोहरा समिति ने अपराधीकरण के पीछे किसको जिम्मेदार माना, एक नेक्सस या गठजोड़ है, नेक्स्ट लिखा है ना, ये नेक्सस है, तो ठीक कर लो इसे, यानी गठजोड़ है, किस किस का, राजनीतिज्ञों का, नौकरशाहों का और अपराधियों का, क्लियर है, ठीक। ये एक और गलती हो गई है, ये संस्थान लिखा है ना, संस्थानम है, संस्था नहीं लिखा है, संस्थानम, संस्थानम कमेटी, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है कुछ, तो आप लोग ठीक कर लें। इन समितियों की सिफारिश को दिखाएंगे आप, ठीक है। तो अंत में क्या दिखाना है कि प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी तक भागीरथी प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि तो हमाम में सभी नंगे हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखो, और कोई पार्टी चुनावी मैनिफेस्टो में तो इसे शामिल करती है सब चीजों को, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने की और सत्ता को बनाए रखने की बारी आती है, क्या कर दिया जाता है इसको, बारी आता है या इसको प्राथमिकता से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन हैं जो करेगा वो खुद नुकसान भुगतेगा, उसका दूसरे तो भुगतेंगे ही, वो खुद भुगतेगा। जैसे आप दिखा सकते हैं कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से आई है, लेकिन उसने भी 20,000 से कम के चंदे के लिए क्या नहीं किया है, मोनिटाइज, उसे मॉनिटरिंग नहीं दी है, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा उसके लिए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 20,000 रुपये का आप अगर कम का डोनेशन को आप अगर अकाउंटेबल नहीं बना रहे हैं किसी को भी, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी इतने सारे लाभ लेती हैं, लेकिन फिर भी वो सूचना का अधिकार के तहत नहीं आना चाहती, कोई पार्टी नहीं आना चाहती, बहाने बनाते हैं। तो भागीरथी प्रयास यानी गंभीरता से प्रयास करने होंगे, और कोई भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, दूसरों से उम्मीद करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये प्रयास करना ही होगा। अंत में दिखाएं सकारात्मकता के साथ कि अगर आपको ऐसा देश बनाना है जहां ही फूल हैं, जहां धूल नहीं उड़ती है, जहां कांटे नहीं हैं, तो उसकी शुरुआत आपको राजनीति में सफाई से करनी होगी।
ठीक है, एक व्यक्ति को राजनीति का मेहतर बनना होगा, मेहतर मतलब सफाई करने वाला, और ये यहाँ पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस नहीं है यहाँ पर, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले कौन बनेगा ये देखना शेष है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सामान्य सा टॉपिक है, एक बार जरूर आप सुन तो लिया है, अब लिख ले हैं। सुरेश बाबू आप नहीं लिख के दिखा रहे हैं, आप ना टेस्ट दे रहे हैं ना आप लिख के दिखा रहे हैं, ये गलत बात है भाई। सुरेश चंद्रा जी सर सर मैं कहीं चला गया था एक्चुअली, इस बार दूंगा सर। यस चलिए। सर एक चीज पूछनी थी। आशीष, हाँ मीनाक्षी बोलिए। सर मुझे ये बोलना था कि जैसे जो ऐप आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये तो बहुत अच्छा चलता है, आपकी आवाज बोलिए ना जैसे तुमने कि ये वाले मीनाक्षी ऐप तारीफ यूज कर रहे की, आवाज आना बंद हो गई। खैर आप फिर से बोलो क्या हुआ। हैं। सर मतलब आपके इसमें ना कोई भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती और वॉल्यूम का भी कोई इश्यू नहीं होता है, बहुत अच्छे से चलता है। बट इंग्लिश वाले सर के ऐप के साथ बहुत इश्यू रहता है, वो 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद बंद हो जाता है, फिर कनेक्ट होता है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा उनके उसमें कभी स्क्रीन नहीं आ रही होती है। इसलिए उनके आज लैपटॉप को रामनगर भेजा गया है पौड़ी से, इसी चीज के लिए। क्योंकि उनके में गो टू यस मीटिंग वर्क नहीं कर रहा था, उसका कारण था कि उनकी यस विंडो पुरानी थी, तो अपडेट के लिए इसलिए भेजा यस गया। और मॉर्निंग में ओके हुआ यस क्या कि मेरा मोबाइल हो गया था खराब, वो दिन में ठीक हो पाया, नहीं तो मैं मॉर्निंग क्लास कर लेता। सर अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग केवल व्हाट्सएप से कनेक्टेड थे और मेरे लैपटॉप में यस व्हाट्सएप ना चलकर टेलीग्राम चलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेते हैं जिससे आपको सूचना यस सर मिल जाए। यस मतलब सर बेसिक हमारा व्हाट्सएप ही चलेगा, लेकिन हम सूचना यस के अन्य स्रोत के लिए टेलीग्राम को भी बना लेते हैं आधार। ओके सर। सर मुझे यही ठीक लगा कि शायद सर के ही ऐप में कोई प्रॉब्लम है, सर कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि सर आपसे हेल्प ले लें, क्योंकि उनकी नहीं, बहुत ही मेरी बात हुई थी तो डिसकनेक्टिविटी उन्होंने रहती है। चेक कराया मैंने पौड़ी में, तो वही था कि उसमें विंडो अपडेट नहीं है, तो रामनगर उन्होंने आज ओके भेजा है, तो ओके उम्मीद है कि शाम तक आ गया, कल यस सर तक तो आ ही जाएगा, तो क्लास ठीक यस हो सर जाएगा। वैसे भी हम लोग ऐप चेंज करने वाले हैं, हम लोग अब जियो बीट वाला यूज करेंगे, है हाँ ना? जी सर, वो तो हो बहुत सकता है कि अच्छा सर, चल रहा है जियो मीट। हो सकता है सर जी जियो मीट से क्लास शुरू करें, है ना? एक्चुअली ओके ओके सर मेरा भी ये पेड़ है ना, तो ये खत्म होने वाला है, जैसे खत्म होगा हम लोग उसी पर आ जाएंगे। यस ठीक है, सर ओके आपको लिख के दिखाएं फिर से, तब तक के यस टेक सर। केयर हेलो सर, भाई। हाँ आशीष सर बोले। हाँ जी सर, मैं कह रहा था सर ये साइन पे अगला टॉपिक लें तो कैसा रहेगा? नहीं सुन पाए फिर से बोलिए। सर मैं कह रहा था ये साइबर क्राइम पर अगर हम अगला टॉपिक लें। ले ले सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता था आप लोग कुछ कोशिश तो कर रहे हैं। बिल्कुल, साइबर क्राइम पर अगला टॉपिक आरक्षण पर है ना, और आरक्षण के बाद तुरंत हम एजुकेशन से साइबर, रिलेटेड चलो ठीक है वो भी ले लेते हैं। तो पहले आरक्षण, उसके बाद आपका साइबर क्राइम, और फिर उसके बाद तीसरा एजुकेशन, ठीक है? तीनों शिक्षा हो सर जाएंगे, डोंट वरी। यस ठीक है आशीष। जी सर बिल्कुल सर और आप लोग ऐसा है ना, मुझसे मेहनत कम कराओ, तो मेहनत आप लोग करोगे तो एग्जाम आपको देना यस सर है, समझे? यस सर यस मुझसे सर मेहनत करा कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो यस सर मैं बचना नहीं चाह रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने तरफ से कोई नया टॉपिक चूज करके खुद भी लिखो, है ना? जी तो वो भी जरूरी है, मैं तो करा ही रहा हूँ आप। चलो ठीक है फिर, हाँ सर ठीक है, कल सर की क्लास हो जाएगी तो ठीक है, नहीं कल फिर हम क्लास करते हैं, सर से बात करके अभी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? मैं कल करा दूंगा आपको। यस सर चलो ठीक है, टेक केयर।